आपका दोस्त फैसल अली। तो मैं आज भी अपने लिए फिर चिकन कढ़ाई बनवा रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ अपने लिए, थोड़ी सी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि घर वाले ने अपने लिए कुछ सालन बनाया हुआ, तो मैं अपने लिए चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ। तो गोश्त मैंने फ्राई कर लिया है, तो वो रेड हो गया, आपको दिखाता हूँ। साथ साथ छोटी सी जल्दी तैयार हो जाएगी, तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी सारी कढ़ाई, तो दिखाता हूँ आपको साथ साथ। जी गोश्त में से आपको आवाज आ रही होगी, ये रेड हो गया, मैंने थोड़ा सा अपने लिए लिया है, बिल्कुल जरा सा। मैंने कहा चले मैंने अपने लिए एक प्लेट बनानी है कढ़ाई टाइप, तो मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल मैं बड़े शौक से खाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने टमाटर और मिर्ची वगैरह काट के रखी हुई है, दही भी लाया हूँ। तो बस इसमें आप डालते हैं, चीज़ें वगैरह ऐड करते हैं। करें जी, मैंने टमाटर वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं, सब्ज़ मिर्चें भी साथ डाल दिए हैं। तो मैंने कहा चले इसको अच्छा सा दोबारा जो है बड़ा ज़बरदस्त अपने लिए बनाना है ग्रेवी टाइप। तो दही भी मैंने ला के रखा हुआ है, दही भी ऐड करते हैं। तो अब इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। तो ये घर में ये मसाला पड़ा हुआ है जी, ये डालते हैं इसके अंदर, कुछ चिकन मसाला है, पता नहीं कैसा इसका टेस्ट है। तो ये डालते हैं थोड़ा सा, तो ये बाकी भी सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए हैं। तो अभी जो है इसमें दही ऐड करेंगे, देखें कितनी जल्दी तैयार होगी हमारी कढ़ाई। इसमें दही वगैरह ऐड कर दी है, तो चेक करें अभी थोड़ी देर में, 5-1 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त ही हमारी कढ़ाई। चेक करें जी, हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार हो गई है। तो ये तकरीबन 2 बंदे आराम से खा सकते हैं, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो फिर आपको ट्राई करेंगे तो वो भी बताएंगे कैसी लग रही है। की बनी हो तो साथ नान ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने कहा चले जाते हैं तंदूर से नान लेकर आते हैं, तो आपको दिखाते हैं जी। पहुँच गए हम तंदूर के पास, तंदूर से रोटी लगवा रहा हूँ जी मैं अपने लिए जी। अपनी रोटी वगैरह ले ली है, तो अब जाकर जी ट्राई करते हैं इसको, फिर आपको बताते हैं कैसी बनी है हमारी कढ़ाई।